गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा सातवीं का आज हम थर्ड लेसन करेंगे और थर्ड लेसन में हमने हिंदी और उसके अभ्यास कार्य के कुछ भाग कर लिए थे। जो बच गए थे वो इस वीडियो में हम पूरे करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेटा जो आपका दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न उत्तर थे उनकी हिंदी बता दी थी और आपको बोला था कि आपको इन दीर्घ प्रश्नों के उत्तर स्वयं लेसन को रीड करके छाटने हैं। तो आज मैं जो ये बड़े दीर्घ उत्तर प्रश्न उत्तर थे उनके उत्तर आपको बता रही हूँ, साथ साथ में आप मैच करो। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है सुरेशस्य मित्रस्य नाम किमस्ति। ठीक है, सुरेश के मित्र का नाम क्या था? तो इसका उत्तर क्या है, ये रहा सुरेशस्य मित्रस्य नाम आदित्य अस्ति। तो सुरेश के मित्र का नाम क्या था? आदित्य। क्योंकि हमने लेसन पढ़ा है तो आदित्य के विषय में बताया ना उसने। फिर है दूसरा क्वेश्चन था आदित्य केन सह विद्यालयम गच्छति, कि आदित्य किसके साथ विद्यालय जाता है। आदित्य सुरेशः सह विद्यालयम गच्छति, तो आदित्य किसके साथ? सुरेश के साथ स्कूल जाता है, क्योंकि सुरेश का मित्र आदित्य है, आदित्य सुरेश का मित्र है, दोनों आपस में मित्र हैं। थर्ड बेटा, सह केषु विशेषु प्रवीणः अस्ति। सह वह कौन? आदित्य। आदित्य कौन कौन विषय में, यानी कि कौन कौन से विषय में, कौन से सब्जेक्ट्स में प्रवीण है, चतुर है, चतुर है, चतुर मतलब इंटेलिजेंट है, होशियार है। सह संस्कृत विषय गणित विज्ञान विषय च अति प्रवीण अस्ति। यहाँ सब्जेक्ट्स के नाम बताएं आपको, संस्कृत में गणित मैथ और विज्ञान साइंस में वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तस्य संपर्केण सुरेशः कीदृशः अभवत्। तस्य संपर्केण उसके संपर्क में रहने से, उसकी संगति में रहने से सुरेशः सुरेश कीदृशः अभवत् कैसा बन गया है। तस्य संपर्केण सुरेशः सुछात्र अभवत्, वो सुछात्र मतलब अच्छा विद्यार्थी बन गया है। अच्छा विद्यार्थी कैसे, जैसे आदित्य को क्या है, अपना काम समय पर पूरा करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अनुशासन का पालन करना और अपने समय पर सभी कार्य याद करने, पाठ याद करना, पढ़ना। तो वो जब उस सुरेश उसके साथ रहेगा तो उसको भी सुरेश की जो अच्छी आदतें हैं देखकर उसका भी मन करता है कि मैं भी ऐसे करूं और वो बन गया। ठीक है, तो वो उसकी संगति में, उसके संपर्क में रहने से एक अच्छा विद्यार्थी बन गया। तो दीर्घ में प्रश्न उत्तरों में लास्ट है आपका आदित्यस्य गुणान संक्षेपेण लिखत, जो आदित्य के गुण हैं यानी कि जो उसके अंदर क्वालिटीज़ है, अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको संक्षेप में लिखो भी क्या क्या हैं। आदित्य है मृदुभाषी अनुशासन प्रिय सहयोगी च अस्ति। तो आदित्य कैसा बच्चा है, मृदुभाषी बहुत ही मीठा बोलने वाला, अनुशासन प्रिय डिसिप्लिन में रहने वाला, सहयोगी च और हेल्पफुल दूसरों की सहायता करने वाला। तो बेटा ये आपके क्या थे, ये आपके थे दीर्घ प्रश्न उत्तर। आपको हिंदी बता दी थी, आज मैंने उनके उत्तर भी लिख दिए हैं और आप अपना मैच करके देखो कि आपने कितने अच्छे सही से हिंदी प्रश्न की बताने के बाद कितना सही से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे हैं। ठीक है, फिर है बेटा अगला आपको आगे दे रखा है इन्होंने, क्योंकि उससे उसके बीच में आपके जो पार्ट थे फोर्थ और फिफ्थ वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था। अब जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें आपको रिक्त स्थानम उचित रूपेण पूरयत, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर शब्द रूप दे दिया गया है तो शब्द रूप
आपको भरना है कि कहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन में कौन सा रूप आएगा। और बेटा यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके उत्तर लिखे हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं, लिखे हुए पहले ही, ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है, वो मैंने नहीं लिखा है, ओनली मैंने यहाँ पर आपको आंसर लिख कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला जो था, पहला है हमारा, इसमें दे रखा अहम, लेकिन द्विवचन नहीं दे रखा, द्विवचन में आ जाएगा आवाम, ठीक है, और बहुवचन में भी दे रखा है वयम। सेकंड है बेटे, एक वचन में नहीं दे रखा, आपका बन जाएगा माम, द्विवचन में आवाम और अस्मात, ठीक है। ऐसे ही तीसरा आपका आवाभ्याम आएगा, क्योंकि द्विवचन में नहीं दे रखा था। फोर्थ में आपका एक वचन में नहीं दे रखा था, वहाँ आ जाएगा मह्यम। फिफ्थ में आ जाएगा अस्मत। सिक्स्थ में बहुवचन में अस्माकम। और सेवन्थ में एक वचन और द्विवचन दोनों में नहीं दे रखा, तो क्या जाएगा मई और आव्यो, ठीक है। अब बेटा जो लास्ट पार्ट है इस लेसन का, लास्ट पार्ट आपको दे रखा है कि जैसे हिंदी में भी होते हैं कि आपको वाक्य दे दिए जाते हैं, वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है आपका वो है कुशलह। तो कुशलह से, कुशलह शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो क्या बना देंगे हम, राम है व्यवहारे कुशलह अस्ति, राम व्यवहार में कुशल है, योग्य है, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर है मम, मम का अर्थ होता है मेरा, तो आप सिंपल सा अपना नाम भी लिख सकते हो, मम नाम राधा अस्ति। जरूरी नहीं है मैंने राधा लिखा है, अगर आप बॉयज है तो आप अपना नाम लिख के वहाँ पीछे विसर्ग लगाओगे, गर्ल्स है तो आप सीधा अपना आपका जो नाम जैसे हिंदी में लिखते हो वैसे ही लिख के कोई विसर्ग नहीं लगेंगे। तो क्या मम नाम राधा अस्ति, और आप कुछ भी लिख सकते हो, मम नाम विशाल, भूमिका, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है मह्यम, मह्यम होता है मुझे, तो यहाँ पर बना दिया मह्यम जलम देही, मह्यम मुझे जलम पानी देही दो, मुझे पानी दो, बन गया वाक्य, हो गया ना मह्यम वर्ड यूज। फिर है छात्र है भोजनम कुर्वन्ति, विद्यार्थी भोजन करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। फिर है पांचवा दे रखा है तस्य गृहम, मम गृहे समीपम अस्ति, तस्य गृहम उसका घर, मम गृहे मेरे घर के समीपम अस्ति पास में है। फिर है लास्ट मृदुभाषी होगा, सुरेश है मृदुभाषी बालक है अस्ति, सुरेश मृदुभाषी यानी कि बहुत ही मीठा बोलने वाला बालक है। तो बेटा ये आपका जो थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन का आपका बुक वर्क लगभग सारा ही करवा दिया आपको, और ये जो रचनात्मक हैं, रचनात्मक में आपकी बुक में आपको दे रखा है सब देव हो मित्रे, ये आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ। आप छुट्टियों के बाद जब आओगे थर्ड लेसन में, आपका जो लास्ट में है ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अपने दो मित्रों के फोटो लगाओ, यहाँ पिक्चर लगानी है आपकी, कोई भी आपके दो फ्रेंड्स, और उनके बारे में संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर, यहाँ पर हेल्प कहाँ से लोगे, जो आपका लेसन है ना, जैसे सुरेश ने आदित्य के बारे में बताया है, आप सेम वही पंक्तियाँ लिख सकते हो जितनी लाइन दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 पांच पांच दे रखे बेटे, तो पांच आप पांच पांच पंक्तियाँ अपने मित्र के विषय में लिखोगे। तो कोशिश करना, पिक्चर अभी आपके पास तो पिक्चर तो नहीं होगी, जब आप स्कूल में आओ जो आपका फ्रेंड है उनसे पिक्चर लो, तस्वीर लो उनकी, पिक लो एक और यहाँ पर चिपकाओ, और उनके बारे में पांच पांच लाइनें लिखो,
हेल्प आपको इसी लेसन से मिल जाएगी आपके मित्र के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेसन था बेटा, आज ये कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़ना।